কাউকে তবে পায়, হোলি কা জো পর্ব হ্যায় হমারে সনাতন ধর্ম মে হিন্দু ধর্ম মে বড়া হি মহত্বপূর্ণ পর্ব হ্যায়। আজ থোড়া হোলি কে বারে মে হম কুছ বিচার করেন। হিন্দু সংস্কৃতি মে সনাতন ধর্ম মে চার মুখ্য ত্যোহার হতে হ্যায় और चार वर्ग के ही लोग प्राचीन काल से हमारे समाज में होते थे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जैसा कि कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। दो चार प्रकार के लोग कर्मों के हिसाब से भी होते हैं और गुण के हिसाब से भी होते हैं। गुण कर्म उनका गुण और कर्म से चार कैटेगरी बनाई। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, थोड़े मोर इंटेलेक्चुअल पर्सन, यू कैन से दे सेलिब्रेट रक्षाबंधन। ऐसे रक्षाबंधन सभी सभी मनाते हैं। आप अपने कलाई में बहन से हाथी राखी बंधवाते हैं, पंडित जी से बंधवाते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपद नाम रक्षे माचल माचल। रक्षा का पर्व है। रक्षा कैसे होती है? यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालव। भगवान ऐसे हमारी रक्षा नहीं करते। रक्षा करते हैं तो हमें बढ़िया बुद्धि देते हैं, तो हमारी रक्षा करते हैं। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसकी रक्षा होती है। और भगवान जिसकी रक्षा नहीं करना चाहते, जिसको बचाना नहीं चाहते, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। उसकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं, वो अपने आप बिगड़ जाएगा। नष्ट होने की करने की जरूरत नहीं है। किसी की बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो बिगड़ उसका परिणाम अपने आप ही बिगड़ना होता है। तो रक्षाबंधन। दूसरा त्योहार है दशहरा। वो दूसरी क्लास के लोग हैं दशहरा, जिनका रक्षा करने का काम है। प्राचीन काल में क्षत्रिय लोग, सैनिक लोग, उनके लिए दशहरा। तीसरे जो लोग होते हैं उनके लिए दिवाली, दीपावली। दीपावली, दीपावली में जो हमारी जो इकोनॉमिक जो एडजस्टमेंट है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा। और चौथा पर्व है ये। इसमें तीन कैटेगरी से जो बच गए लोग, बाकी सभी लोगों का, और जो नहीं भी हैं बाकी तीन कैटेगरी में हैं भी, ये सब का पर्व है होली, सब का त्योहार। हम लोग होली कहते हैं ना, होली, होली मीन्स थ्री मीन्स, थ्री मीन्स ऑफ होली। You can say three meanings we have. Holy, and Hindi में कहते हैं हो चुकी, जो हो चुकी, जो होली होनी थी सो होली, बस अब नहीं होनी चाहिए, बीत गई, बीत गई सो बात गई। गड़े मुर्दे उखाड़ना, कल की बात, पीछे की बात सोचना। अगर जो जो ऐसे होली के दिन अगर ठीक से नहीं बैठे और होली के दिन पास्ट को अगर ध्यान में रखते रहें, ये बहुत खराब आदमी है, इसको लड़ना चाहिए, इसे ऐसा करना चाहिए। ये अगर हम सोचते रहेंगे तो हमें भूत पकड़ लेगा। भूत माने पास्ट, पास्ट को जो भूत कहते हैं, जो बीत गया। तो होली जो बीत गई उसको, उस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जो गलत बात हुई ही हुई थी जीवन में, उसको छोड़ दी। तो एक तो ये हुआ। So clear your mind and heart from all the hurt and pain. जो भी किसी ने पेन दिया, भूल जाओ। होली का मतलब ये, किसी ने हर्ट किया हमको पिछले साल, चार महीने पहले, ग्यारह महीने पहले, छोड़ जा, छोड़ दो उसे, बस माफ कर दो, कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये हुआ।
पंजाबी में मैं तो सजना भी होली हो गई, उसमें आप सुनते हैं मैं तो श्याम के रंग रंग थे मुझे कोई रोके ना, मैं तो श्याम के रंग रंग थे मुझे कोई रोके ना। होलिका एक हिरण्यकश्यप की सगी बहन थी,
उसको अग्नि देवता ने सिद्धि दे दी थी कि वो जलेगी नहीं। और हिरण्यकश्यप ने वेद के महावाक्य, वेद में चार महावाक्य हैं, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, चारों महावाक्य चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम चार वेद नहीं पढ़ सकते तो चार महावाक्यों में वेदों का तात्पर्य समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फोर वेदास विद द हेल्प ऑफ फोर महावाक्य। तत्त्वमसि को समझने का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और गीता में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकते। 15th चैप्टर भगवदगीता। दूसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा प्रज्ञानम ब्रह्म। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा आपको जो आप जब आपको किसी ने बोला और आपने जो आंख उठाकर उसकी ओर देखा, आपकी आंख किस उठाने वाला कौन है? आपने जो मन को दौड़ाया वो मन को चलाने वाला कौन है? आपने जो बुद्धि लगाई उस बुद्धि को डिटर्मिनेशन के लिए प्रेरित करने वाला कौन है? सारी इंद्रियों को प्रेरित कौन कर रहा है? तो प्रज्ञान, उसको प्रज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा है। तो हम थोड़ा सा जो फिजिकल बॉडी से ऊपर उठने की कोशिश करें कि तत्त्वमसि ने कहा तू ही परमात्मा का अंश है, लेकिन कहीं मैं फिजिकल शरीर को ही मैं समझ लूं परमात्मा का अंश, मैं ही हूं परमात्मा का अंश, लेकिन नहीं, थोड़ा कॉन्शियसनेस की ओर चलिए, अपने सेंस ऑर्गन्स को पहचानिए, कौन प्रेरित कर रहा है, मन को बुद्धि को कौन प्रेरित कर रहा है, उसी को कहते हैं प्रेरक, वो है परमात्मा। दूसरा महावाक्य। तीसरा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे सर्वम खलिदम ब्रह्म। वो जब आप परमात्मा को जब देखते हैं तो आप अपने को परमात्मा समझें, लेकिन सारे संसार को आप अपने से छोटा न समझें, हीन न समझें, तुच्छ न समझें। तो आप तो परमात्मा का अंश है, बाकी सब लोग मूर्ख हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो सबके साथ मिलकर आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो सबके साथ, भक्त किसी से झगड़ा नहीं करता, सबके साथ मिलता है। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा किसको कहते हैं? आपनोति व्यापनोति, जो व्यापक है आत्मा उसको कहते हैं। आत्मा शरीर में ही नहीं रहता है, आत्मा तो सब जगह रहता है। और बाद में फिर अंतिम महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये है तो बहुत अच्छा। सो हम, हमारी सांस 24 घंटे बोल रही है सो हम। वेद में ऐसा, उपनिषद में मंत्र भी है, हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेष पुनः हंस हंस इति मंत्रम श्वासो जपति सर्वदा। हंस, अब हंस का ही हंस, उसी का सोहम होता है, और उसी का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, मलिन अंतःकरण से जब अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन, अहम ब्रह्मास्मि कहा नहीं जाता है, इसको रियलाइज किया जाता है, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, और आत्मा सर्वव्यापक है, और अपने को सब जगह देखा जाता है, लेकिन ये भावना शुद्ध अंतःकरण से होती है। हिरण्यकशिपु अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य को थोड़ा गलत समझ गया, और उसने मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, और एक घटना घट गई कि हिरण्यकशिपु के छोटे भाई को, हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया। इसने भगवान से विरोध कर लिया कि मैं अपने भाई के शत्रु को मार कर ही उसका बदला लेकर ही चैन लूंगा। तो बदला कैसे लोगे? वो कौन है शत्रु? बोले शत्रु तो विष्णु है। तो विष्णु को कैसे मारोगे? बोले विष्णु को मारने के लिए विप्रभेन सुर संत हित, चार लोगों को कष्ट दोगे तो वो मर जाएगा। भगवान को अगर कष्ट देना हो
तो चार को कष्ट दीजिए, ब्राह्मण को, गाय को, देवताओं को और संतों को। विपदे सुर संत विलीन मनुज अवतार। हिरण्यकश्यपु ने चारों को कष्ट दिया, बोले वो तो दिखाई पड़ता नहीं है कहीं, इसलिए चारों को परेशान करो तो वो अपने आप कहीं दिखाई पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा उदम मचाया, लेकिन तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, कहते हैं कि पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर और उल्टा सिर नीचे को करके और पैर ऊपर को करके कई वर्षों तक ऐसे ही खड़ा रहा। तपस्या तो बहुत की, कुछ खाना नहीं पीना नहीं। तो ब्रह्मा जी मिले, ब्रह्मा जी ने कहा भाई कैसे हो, तुमने तो बड़ी भारी तपस्या की है। बोले मांग लो, क्या मांगते हो? हिरण्यकश्यप को कहता है महाराज दोगे? बोले हाँ, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी बोले ऐसा संसार में कोई होता नहीं जो मरेगा नहीं, सबको मरना पड़ता है भाई। तो बोले महाराज तो ठीक है, तुम ये कह सकते हो मैं इससे न मरूं उससे न मरूं। तो कहता है मानुष से न मरूं पशु से न मरूं दिन में नहीं रात की बेला, मानुष से न मरूं आदमी से न मरूं पशु से न मरूं, मानुष से न मरूं पशु से न मरूं दिन में नहीं रात की बेला, अस्त्र न शस्त्र न देव न दानव मार सके न माया करके न संपत्ति पाए बिहार करूं बन चला, भगवान बन चाहिए लोग को राज करूं बस नहीं अकेला, राज करूं बस नहीं अकेला, राज करूं बस। ऐसा उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक है, बड़ा प्रसन्न हो गया, अब तो मैं मरूंगा नहीं। और अहंकार में अनेक अपराध करने लगा। कहते हैं जिस समय ये तपस्या करने जा रहा था उस समय देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया, इसकी तपस्या सफल हो गई तो ये देवताओं को और भी कष्ट देगा, और दूसरा ये तपस्या करने गया है और इसकी जो पत्नी है वो पत्नी गर्भवती है, इंद्र को पता चला। और उसने कयाधु उसकी पत्नी का नाम था। इंद्र देवता हिरण्यकश्यपु के घर में पहुंच गए और कयाधु का अपहरण कर दिया। इंद्र ने सोचा कि इसका जो गर्भ है ये बड़ा भारी राक्षस बन जाएगा, हम लोगों को कष्ट देगा, इसलिए इसको मार देना चाहिए। इंद्र जब हरण करके लेकर चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा अरे इंद्र देवता, तुम्हें एक स्त्री का सोने घर से अपहरण करके उसका पति घर में नहीं है, तुम कहां ले जा रहे हो? तुम ऐसे इतने बड़े देवता होकर और ये ऐसा काम, नीच काम क्यों करते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज जी गर्भवती है, इसके घर में बड़ा भारी राक्षस है। नारद जी ने कहा राक्षस, पहली बात तो इसके गर्भ में राक्षस नहीं है, भगवान का बहुत भक्त है। नहीं महाराज आप नहीं जानते, राक्षस के घर में तो राक्षस ही पैदा होगा ना, जैसा बीज होगा फल भी तो वैसा ही बनेगा। बोले तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर इसके गर्भ में राक्षस है तो मैं अगर नारद हूं, मैं अगर भगवान का सच्चा भक्त हूं तो मैं उस राक्षस को भक्त बनाकर छोड़ूंगा। कहते हैं नारद जी ने कयाधु को इंद्र से छीन लिया और अपने आश्रम में ले गए, और आश्रम में ले जाकर कयाधु को कहा बेटी तुम डरो नहीं, इंद्र को डांटकर भगा दिया। इंद्र चले गए इंद्रलोक इंद्रपुरी, और कयाधु नारद जी के आश्रम में रहने लगी। गर्भवती माता ने वहां आश्रम की सेवा करी, वहां शास्त्र सुने, वहां भजन किया, कीर्तन किया, महात्मा लोग संध्या वंदन करते थे, पूजा करते थे, उनकी सेवा करती थी। सेवा करने से, सत्संग करने से एक और
महात्मा लोग बताते हैं 16 संस्कार है ना, तो 16 संस्कार में सबसे एक प्रमुख संस्कार होता है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। सबसे पहले वो संस्कार होता है गर्भाधान। गर्भ जब बालक में, माता के गर्भ में जब बालक आता है, स्त्री पुरुष के संसर्ग से, कहते हैं जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था तो नारद जी ने एक और लीला की। नारद जी को तो पता था नारम ज्ञानम ददाति, नारम अविद्या समूहम व्यति खंडयति, अविद्या को नष्ट करते हैं और ज्ञान देते हैं, नारद जी का यही काम है। तो नारद जी ने देखा कि ये तपस्या कर रहा है विष्णु से बदला लेने को, तो नारद जी एक सुख शावक तोते की बच्ची का रूप बनाकर पेड़ पर बैठे और वहां बड़ी मधुर मधुर आवाज में नारायण नारायण ऐसा बोलने लगे। तो ये हिरण्यकशिपु को लगा यहाँ तो लगता है उस मेरे शत्रु के गुप्तचर लोग यहाँ भी आ गए हैं, वो कहीं छिपे छिपे उसका नाम ले रहे हैं, मैं इस वन में तपस्या नहीं करूंगा, दूसरे वन में गया। नारद जी फिर वहां पहुंच गए और वहां नारायण नारायण, उसने वो वन भी छोड़ा, तीसरे में गया, चौथे में, दस में, बीस में, पचास, सैकड़ों वनों में भागा फिरा। नारद जी वहीं पहुंच गए, नारद जी को क्या लगता है, और वहां जाके नारायण नारायण, इसने कहा अब मुझे तपस्या भी नहीं करनी, थोड़े दिन बाद करूंगा, चला गया। और वहां कयाधु ने देखा तपस्या करने गए हैं, लेकिन कयाधु घर में, उसकी धर्म पत्नी थी, लेकिन घर में पहुंचा कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई, स्वागत किया पतिदेव का, लेकिन पूछने लगी पतिदेव आप तो तपस्या करने गए थे, आप इतनी जल्दी तपस्या करके आ गए, आपने तो कहा था मुझे समय लगेगा, इतनी जल्दी कैसे आ गए। बोले क्या करूं उस विष्णु के, दुष्ट के, भगवान को दुष्ट कहता है, उसके गुप्तचर घूमते हैं और उसका नारायण नारायण ऐसे, मुझे जहां जिस वन में जाऊं वहां पर उसी अवज मुसी ऐसी आवाज आने लगी, तो मैं तंग होकर चला आया हूं, अभी मैं तपस्या नहीं करूंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा। यादव बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि वो आपने किसको देखा ऐसा नारायण नारायण बोलते। बोले तोते का बच्चा दिखाई पड़ता था और आवाज आती थी। बोले कैसे बोलता था। बोले बड़ा मीठा बोलता था। तो कैसे बोलता था, बार बार, जब बार बार उससे पूछा, वो कहती है ऐसे बोलता था नारायण नारायण, ऐसे बोलने लगा हिरण्यकश्यपु। कहती है आपके नाम से, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, जरा एक बार और बोलो तो, एक बार और बोलो, पूरी एक 108 की माला करवाए किसी से भगवान का नाम लिवाओ, कितनी अच्छी बात है। अब ये कहते हैं उसी समय स्त्री पुरुष का मिलन हो गया, भगवान का नाम लेते लेते, यदि गर्भाधान, गर्भाधान संस्कार की कोई विधि है उसमें ब्राह्मण लोग संस्कार करते हैं, और यदि पुरुष को भी कुछ शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से तुम गर्भाधान करोगे, बीज आरोपण जैसा करोगे वैसा तुम पुत्र पाओगे, संस्कार की विधि है हमारे शास्त्रों में, सबसे पहला संस्कार। लेकिन और कुछ नहीं तो कम से कम सात्विक वृत्ति में गर्भाधान हो, भगवान के भजन करते करते गर्भाधान हो, तो बच्चा तो जन्म अच्छा लेगा ही लेगा। ये भी एक कारण था कि हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद जी ने अवतार, प्रहलाद जी प्रकट हुए, और हमारे महात्मा लोग कहते हैं पद गावत सुर अनेक फिरे, पद गावत सुर अनेक फिरे, पर सुर के जैसु स्वाद कहां, पद नूपुर भाज पदावत है कहे लाज कहां।
Pritviraji, Surdasji, ये भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं. सूरदास जी सब तो जैसे सूरदास जैसे नहीं हो सकते. कई लोग जिसके नेत्र नहीं हो सबको सूरदास हम लोग कह देते हैं, पर वो जो सूरदास हुए जो भगवान को प्रसन्न करके ऐसा सुंदर बाल लीला का वर्णन किया, सब थोड़ी हो सकते हैं. और ऐसे तो बहुत महिलाएं माताएं बहने अपना नाम मीरा रख लेती हैं, लेकिन मीरा की जैसी सब थोड़ी हो जाएंगे. राम कथा तो सभी लोग कहते हैं, हम लोग भी राम कथा करते रहते हैं, लेकिन तुलसीदास सब थोड़ी हो जाएंगे. ऐसे ही कहते हैं आज भी हर खंभे में नृसिंह भगवान रहते हैं, पर कोई निकालने वाला प्रहलाद होना चाहिए ना, कोई निकालने वाला. तो प्रहलाद जी जो हिरण्यकश्यपु के घर में आए हैं और वो बचपन से ही भगवान का नाम लेने लगे. और नारद जी से माता के पेट में 9 प्रकार की भक्ति सुनी थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. और राक्षस के बालकों को स्कूल में जब पढ़ने गए प्रहलाद जी तो नारायण नारायण कीर्तन कराने लगे और भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन वंदन और दास्य भाव में रहो, भगवान के दास बन के रहो, भगवान को अपना मित्र समझो और भगवान को अपना सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो. 9 प्रकार की भक्ति सिखाई. शुक्राचार्य जी के शंडामर्क दो पुत्र थे जो गुरु जी थे. हिरण्यकश्यपु ने गुरुओं से पूछा कि तुम कैसा पढ़ रहा है हमारा बच्चा. बोले महाराज पढ़ तो ठीक रहा है, लेकिन ये पढ़ता कम है पढ़ाता ज्यादा है. ऐसे बच्चे आजकल के बच्चों की तरह से, जैसे आजकल के बच्चे अगर किसी को आज आई नो आजकल के बच्चे पढ़ते तो नहीं है, तो पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे कंप्यूटराइज पैदा होके आते हैं. पहले जब पैदा होता है बच्चा सब पढ़ा लिखा पैदा होता है. आज तो ऐसे हिरण्यकश्यप को के घर में प्रहलाद, तो हम कहेंगे ऐसे बच्चों को आप प्रहलाद बना सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आज के हमारे. हम ऐसा पॉजिटिव थॉट रखें बच्चों को, प्रहलाद के जैसा अगर हम शिक्षा दें, उपदेश करें, तो जरूर वो प्रहलाद जैसे भक्त बन सकते हैं. कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने जब अनेक प्रकार से होलिका को समझाया, पहले तो बहुत पहाड़ से फेंका और कहीं अग्नि के जलते हुए खोलते हुए तेल में डाला, लेकिन मरा नहीं. पहले तो समझाया गया लेकिन बाद में नहीं माना, तो उसको मारने की प्रयत्न की. फिर होलिका को कहा कि बहन तुम ऐसा करना, इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तुम तो जलोगी नहीं, ये मर जाएगा. तो वो बैठी. और ऐसा हमारे महात्मा लोग दो प्रकार से होली मनाते हैं. एक पक्ष तो ये है कि कहते हैं जब होली जलाते हैं तो होली के जलाते हुए कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियां देते हैं. क्यों कहते हैं कि वो जो राक्षस पक्ष के लोग हैं कि तूने उसको जलने नहीं दिया, तूने उसको जलाया क्यों नहीं, ऐसा उसको उसके ऊपर क्रोध करते हैं. लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, भक्त पक्ष के लोग हैं, वो देवी की होली की पूजा करते हैं कि तुमने एक भक्त की रक्षा कर दी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम स्वयं जल गई लेकिन तुमने भक्त की रक्षा की. तो ऐसा ये. और उस धूलि को भी वंदन करते हैं. और अभी दिन रंग पर्व मनाते हैं, चैत्र के महीने की प्रतिपद को धूलि को वंदन होता है. एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, अबीर गुलाल फेंकते हैं और सबके पुरानी शत्रुता को फिर से मित्रता में बदलने का दिन है होली का दिन. गाते बजाते हैं, ध्रुपद गाते हैं और नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर फिर दोपहर तक तो रंग खेलते हैं. इसके बाद हिंदुस्तान में फिर सब मिलने जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, वहां पर मिठाई खाते हैं, अनेक प्रकार से गले मिलते हैं. राग रंग होता है, धमार होता है, धमार भी एक शैली है, काफी राग होता है. रंग जिन डारो मानो बनवा. तो ये ढोलक बजती है, झांझ बजते हैं, मंजीरे बजते हैं,
किसान लोग नई गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है होली पर, अग्नि में उसको भूनते हैं और सबको खिलाते हैं, उसको होला कहते हैं। बच्चे बूढ़े सब मंजरी, आम की मंजरी और चंदन मिलाकर उसको खाने का विधान होता है। उसे स्वास्थ्य अच्छा होता है, गला अच्छा होता है, आम खाने से गला अच्छा होता है, पका हुआ मीठा, और आम का बौर खाने से गला अच्छा होता है। चंदन मिलाकर खाओ, असली चंदन, जो चंदन लकड़ी होती है। ऋतुओं का राजा बसंत है, मधुमास स्प्रिंग सीजन आने वाला है, तो गर्मी भी नहीं होती, सर्दी भी नहीं होती, यही होली का उत्सव है। प्रकृति में भी हर्ष उल्लास है, नए नए पत्ते निकलते हैं, चैत्र का महीना शुरू हो गया। चैत्र के महीने में पहले ही दिन होली मनाने का विधान है। तो ये हमने आपको थोड़ी सी ये कथा सुनाई होली के बारे में। तो ये एक और दो चार बातें कह करके मैं जल्दी से कथा को विश्राम दो, आगे का बहुत सुंदर कार्यक्रम है आपका। मैंने जो आपको कहा था होली के लिए, जो तीन बातें आपको बताई, एक होली का मतलब है होली, HOLY, होली। होली का मतलब है प्योर, पवित्र। सो व्हेन यू फॉरगेट ऑल द पास्ट एंड सरेंडर yourself to God and become pure. आप जब इसी बातों को सब भुला देंगे, सबको गले मिलेंगे, तब तो आप प्योर हो ही जाएंगे, होली हो जाएंगे, पायस हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो होली वही जो भक्ति की आन बन जाए, होली वही जो ज्ञान की शान बन जाए, और भरो पिचकारी में प्रेम का रंग। तीन रंग हो गए, भक्ति का रंग, ज्ञान का रंग और प्रेम का रंग। तो वहां जहां भी वो गिरे वहीं पर हिंदुस्तान बन जाए। तीन रंग तो होते हैं झंडे में, हिंदुस्तान के झंडे। इसलिए ये प्रेम का रंग है। तो ये